श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम सीखने वाले हैं वो है कॉन्ट्रा वाउचर में किस तरह की एंट्रीज हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है हमारे बैंक में और हमारी कंपनी में कैश कितना है। तो इसके लिए हम जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में और यहाँ पे आप टिक कर देंगे और इसके बाद जाएंगे अकाउंट बुक में, यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे कैश एंड बैंक बुक में, तो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी में कैश है वो है 1,08,000 रुपीज। यहाँ पे किसी बैंक का नाम नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे किसी बैंक में कोई पैसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं बैक और समझते हैं जर्नल एंट्री। देखिए, कॉन्ट्रा वाउचर में किस तरह की एंट्रीज होती हैं, पहले को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जो कॉन्ट्रा वाउचर में जो हमारी एंट्री होती है, तो सबसे पहले अगर आपकी कंपनी अपनी कंपनी से कैश निकाल के और अपने ही बैंक में जमा कर रही है तो ये एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। अगर आपकी कंपनी अपने बैंक से कैश निकाल के कंपनी में ला रही है तो वो भी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। अगर आपकी कंपनी अपने ही बैंक से अपने दूसरे बैंक में कैश ट्रांसफर कर रही है तो इसकी एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। यानी इन तीनों कंडीशन में कॉन्ट्रा वाउचर का यूज होगा, इसकी शॉर्टकट की होती है F4। तो फ्रेंड्स, चलते हैं टैली में। फ्रेंड्स, टैली में वाउचर की एंट्री करने के लिए हम जाएंगे वाउचर में और यहाँ पे हम कर देंगे एंटर। इसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रा ऑलरेडी क्लिक हो रखा है। फ्रेंड्स, कॉन्ट्रा के लिए की होती है F4। अगर यहाँ पे कोई दूसरी की पे क्लिक होता या यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होता तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्ट्रा पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रा लिखा हुआ आ गया है। फ्रेंड्स, इस चीज का आपको बहुत विशेष ध्यान देना है कि जो भी आप एंट्री कर रहे हैं वो कौन से वाउचर में जा रही है, तो कॉन्ट्रा वाउचर में ही होना चाहिए इस तरह की एंट्री। तो हमने कॉन्ट्रा वाउचर को सिलेक्ट कर लिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या होगा, तो फ्रेंड्स हमने जो ये हमारी पहली जो इक्वेशन है वो है कैश डिपॉजिट इनटू इलाहाबाद बैंक। तो इसमें कौन कौन से लेजर बन रहे हैं, दो लेजर बन रहे हैं। पहला है कैश जो कि बैंक में जमा हो रहा है और दूसरा है बैंक जो कि जमा कर रहा है। तो इसमें दो खाते बन रहे हैं, कैश और इलाहाबाद बैंक। तो फ्रेंड्स, इसमें डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। फ्रेंड्स देखिए, कैश को हम छू सकते हैं तो हम पहुंच जाएंगे रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में क्या होता है, जो कंपनी के अंदर आता है उसको हम डेबिट करते हैं, जो कंपनी से जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो कैश कंपनी से जा रहा है तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। और फ्रेंड्स, डेबिट क्या होगा, इलाहाबाद बैंक क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि रिसीवर और गिवर वाली बात आ रही है, क्योंकि जो है इलाहाबाद बैंक जमा कर रहा है यानी वो रिसीवर हो गया है। तो रिसीवर को हम करते हैं डेबिट और गिवर को हम करते हैं क्रेडिट। तो इलाहाबाद बैंक क्या कर रहा है, पैसा को रिसीव कर रहा है, तो इसलिए इलाहाबाद बैंक हो जाएगा डेबिट। तो फ्रेंड्स, चलते हैं टैली में। फ्रेंड्स, क्योंकि कैश जा रहा है तो हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे क्रेडिट में। और कितना पैसा कंपनी से जा रहा है, कितना पैसा कंपनी जमा कर दिया, 10,000 रुपीज हमने यहाँ पे 10,000 टाइप कर दिया है। और देखिए, करंट बैलेंस अभी दिखा रहा है कि कैश कितना है, 10,080 यानी 1,08,000 रुपए अभी हमारा कैश है। हमने एंटर किया, जैसे ही हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे कैश निकला है हमारी कंपनी से तो यहाँ पे कम हो गया है 10,000 रुपए। अब डेबिट में क्या आएगा फ्रेंड्स, डेबिट में आएगा इलाहाबाद बैंक और इलाहाबाद बैंक में यहाँ पे अपने आप आ गया 10,000 रुपीज। एंटर बटन पुश करेंगे। फ्रेंड्स, अब अगर आप चेक के थ्रू जमा कर रहे हैं तो आप देखेंगे जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे मांग रहा है, यहाँ पे हमने 10,000 दे दिया है। इस पर पूछता है वो कि आप कितने कितने रुपए जमा कर रहे हैं, 2,000 के कितने नोट हैं, 1,000 के कितने नोट हैं। टोटल तो हमारे 10,000 हैं, बट कितने कितने नोट, अगर ये इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं और उसको रिकॉर्ड रखना चाहते हैं इसका, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अदरवाइज आप एंटर बटन करके आगे बढ़ेंगे। तो हमने एंटर बटन किया और हम आगे बढ़ गए। तो हमने एंटर किया और ये देखिए यहाँ पे बैंक का नाम डाल देंगे, जो भी आप कैश दे रहे हो जिस बैंक का,
तो फ्रेंड्स हमने दे दिया यहाँ पे, हम दे देते हैं इसमें SBI, तो इसमें स्पाई नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, तो नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, और हम यहाँ पे लिख देंगे डीम कैश डिपोजिट। फ्रेंड्स हमने कैश डिपॉजिट नरेशन लिख दिया और एंटर बटन पुश किया और बाहर आ गए। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारे अकाउंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो चेंजेस देखने के लिए हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, इसमें मिलेगा आपको कैश एंड बैंक बुक, और यहाँ पे हम एंटर बटन पुश कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा कैश कितना बचा है, 90,800 रुपीज, क्योंकि 10,000 निकल के कहाँ पहुंच गया है, इलाहाबाद बैंक। अब देखिए यहाँ पे इलाहाबाद बैंक भी आ रहा है, तो ये डेबिट लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें हमारा जो कैश है वो इतना है और हमारे बैंक में जो पैसा है वो 10,000 रुपीज है। फ्रेंड्स आप चलते हैं देखते हैं दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री है हमारी कैश विड्रॉन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक, यानी कैश विड्रॉ हो रहा है इलाहाबाद बैंक से। तो यानी इसमें लेजर कौन से बन रहे हैं, एक कैश का बन रहा है, एक इलाहाबाद बैंक का बन रहा है, तो कैश हमारी कंपनी में आ रहा है। तो फ्रेंड्स छू सकते हैं इसको, तो किसमें जाएगा, रियल अकाउंट में, और जो आता है उसको हम करते हैं डेबिट। तो इस बार कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब देने वाला कौन है, इलाहाबाद बैंक, क्योंकि इलाहाबाद बैंक गिवर हो गया है, तो फ्रेंड्स पहुंच जाएंगे पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं, तो बैंक यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अब कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा और इलाहाबाद बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कैश होगा रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट, और इलाहाबाद बैंक होगा पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट। तो फ्रेंड चलते हैं टैली में, जाते हैं वाउचर में, और फ्रेंड्स यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या होना चाहिए, क्योंकि देने वाला कौन है, इलाहाबाद बैंक, तो हमने इलाहाबाद बैंक सेलेक्ट किया। और कितना रुपया दे रहा है देख लेते हैं, 2,000 रुपए निकाले जा रहे हैं, तो यहाँ पे टाइप करेंगे 2,000, एंटर बटन पुश करेंगे, और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर चेक के थ्रू निकाल रहे हो तो चेक सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और फंड ट्रांसफर वैसे नेट बैंकिंग या किसी अदर प्रोसेस से निकाल रहे हो तो दस सिलेक्ट कर लेंगे। हम चेक के थ्रू निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे चेक नंबर दे देंगे जिस चेक नंबर से आप पैसा निकाल रहे हैं, तो हमने दे दिया 777, तो हमने ये दे दिया। और यहाँ पे देंगे वो डेट जो चेक के ऊपर है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देते हैं 2, यहाँ पे हम सॉरी 1 ही दे देते हैं फ्रेंड्स, 1 अप्रैल। और एंटर बटन पुश कर देंगे फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं कि जब इलाहाबाद बैंक से पैसा निकला, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है अभी कितना अवेलेबल बचा है, 8,000 रुपए, क्योंकि अभी 10,000 रुपए था, हमने वापस कैश निकाल लिया है, तो वो 2,000 रुपए यहाँ पे जाके हमारे कैश अकाउंट में बढ़ गया है। आपको कुछ नहीं करना है, एंटर बटन पुश करना है और यहाँ कैश सेलेक्ट करना है, एंटर एंटर करना है, और यहाँ पे नरेशन लिख देनी है बीइंग कैश विड्रॉ, एंटर बटन पुश करना है और यहाँ पे यस बटन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स अब हम जाके देखते हैं हमारे अकाउंट में कितने चेंजेस हुए हैं, तो उसके लिए जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पे जाएंगे कैश एंड बैंक बुक में, और अब आप देख सकते हैं क्योंकि कैश हमने वापस इलाहाबाद बैंक से निकाला है 2,000 रुपए, तो वो 2,000 रुपए इसमें ऐड हो गया है, और 90 से हो गया 92,800 रुपए, जबकि इलाहाबाद बैंक में था 10,000 रुपए और यहाँ बचा है 8,000 रुपए। फ्रेंड्स तीसरी एंट्री है हमारी, तीसरी एंट्री है हमारी फ्रेंड्स कैश ट्रांसफर फ्रॉम इलाहाबाद बैंक टू SBI बैंक, यानी हमारा एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर हो रहा है 55,000 रुपए, इलाहाबाद बैंक से SBI में ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे फ्रेंड्स, एक तो इलाहाबाद बनेगा और दूसरा बनेगा SBI बैंक, क्योंकि रिसीव करने वाला कौन है SBI और देने वाला कौन है इलाहाबाद बैंक। तो करते हैं एंट्री और चलते हैं टैली में, देखिए। और फ्रेंड क्योंकि इसमें रिसीवर और गिवर वाली बात आ रही है, तो देखिए पहुंच जाएंगे पर्सनल अकाउंट में। अब क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, रिसीवर को हम करते हैं डेबिट और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। तो रिसीवर हो गया SBI, इसको हम SBI को हम करेंगे डेबिट और इलाहाबाद बैंक को करेंगे हम क्रेडिट, क्योंकि ये देने वाला है। तो करते हैं एंट्री, जाएंगे वाउचर में, और यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है पहले, तो देने वाला कौन है हमारा, इलाहाबाद बैंक, तो इलाहाबाद बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। और कितना पैसा दे रहा है फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं, 5,000 रुपीज, देखिए
5000 रुपीज है, तो हम यहाँ पे 5000 रुपीज टाइप कर देते हैं, एंटर बटन पुश करेंगे और यहाँ पे चेक पूछ रहा है, हम चेक के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, चेक का नंबर दे देंगे और यहाँ पे चेक की डेट डाल देंगे, तो हमने यही रहने देते हैं 1 अप्रैल ही, और एंटर बटन पुश कर देंगे। यहाँ पे अपने आप कैश आ गया है और यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं और ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं इन कैश ट्रांसफर, तो एंटर बटन पुश कर देंगे और यहाँ पे यस बटन पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स अब हम जाके देखते हैं हमारे चेंजेस क्या क्या हुए हैं, जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में और जाएंगे कैश एंड बैंक बुक में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैंक है वो अभी SBI यहाँ पे नहीं आया है, और जबकि यहाँ पे बैंक में आना चाहिए था, तो हम बैंक अकाउंट में क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे सिर्फ इलाहाबाद बैंक दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स वो जो हमने बैंक का नाम दिया था, फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पे SBI नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि SBI क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो अभी हमने एंट्री करी है उसमें हमने बैंक की जगह कैश दे दिया है। तो फ्रेंड्स उस एंट्री को हम सही करते हैं, और सही करने के लिए अगेन हम जाएंगे डे बुक में। फ्रेंड्स डे बुक में जाने के बाद यहाँ पे देखिए कौन सी एंट्री थी 5000 की, ये वाली। अब यहाँ पे करेंगे हम एंटर और यहाँ पे एंटर बटन पुश करेंगे और यहाँ पे जो भी है कुछ नहीं करना है आपको, एंटर पुश करना है और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है SBI, ये देखिए डेबिट कर दिया SBI, और फिर एंटर बटन पुश करेंगे, यहाँ पे चेक नंबर दे देंगे और यहाँ पे एंटर बटन पुश करेंगे और बैंक का नाम दे देंगे, तो जो भी बैंक है उसका नाम दे देंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं हम इसको, और ये देखिए अब हम यहाँ पे यस बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर कभी कोई गलती हो जाए तो आप डे बुक में जाके उसको सही कर सकते हैं। और अब फ्रेंड्स हम देखते हैं गेटवे ऑफ टैली में जाके, कैश एंड बैंक बुक में जाके, और आप देखेंगे देखिए यहाँ पे SBI भी आ रहा है, तो SBI में कितने रुपए हैं 5000 रुपए, इलाहाबाद बैंक में कितने हैं 3000 रुपए, तो इसमें मतलब कि इसमें है एक, इसमें क्योंकि पहले थे हमारे कितने, इसमें थे हमारे पहले क्योंकि हमने इसमें ले लिया था कैश में एंड ये आ गया है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने कितने इसमें पैसे हैं, और टोटल हमारे बैंक में कितना पैसा है 8000 रुपए, इलाहाबाद बैंक में कितने हैं 3000 रुपए और SBI बैंक में कितने हैं 5000 रुपए, टोटल हमारा कैश कितना है 92,800 रुपीज। तो इस तरह से आप वाउचर की एंट्री कर सकते हैं, काउंटर वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि हम काउंटर वाउचर की एंट्री कहाँ पे करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।